शहर में लॉकडाउन था। परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, माता पिता और एक प्यारी सी 5 महीने की परी। इस गरीब परिवार में माँ नर्स थी और छोटे से हॉस्पिटल में काम करती थी, पिता एक मजदूर। जैसे तैसे जिंदगी निकल रही थी। अचानक पता चला कि मरीजों की देखरेख करते करते इस नर्स को भी वायरस इन्फेक्शन हो गया, इसलिए उसे तुरंत एडमिट कर दिया गया है। जब ये खबर घर आई तो बहुत चिंता होने लगी। नर्स का नाम ज्योति, ज्योति के पति का नाम राकेश और उनकी बेटी का नाम सोनाली। माँ ज्योति ने अपनी बेटी का चेहरा भी 1 महीने से नहीं देखा था। इतनी छोटी उम्र में तो शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है, लेकिन यहाँ इस परिस्थिति में वो संभव नहीं था। गाय का ही दूध संभव था, इसीलिए राकेश अपनी बेटी के लिए अड़ोस पड़ोस से जैसे तैसे कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेता। लेकिन 5 दिन बाद कहीं पर भी दूध नहीं मिल रहा था। राकेश बहुत ही ज्यादा चिंतित था, ये सोचकर कि मैं तो भूखा रह जाऊंगा, लेकिन 5 महीने की बच्ची को कैसे भूखा रख सकता हूँ। एक दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन अगले दिन अपनी बेटी को सुलाकर पूरे प्रिकॉशंस लेकर घर से निकला और अनेकों दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं पर भी दूध नहीं मिला। अंत में एक 5-स्टार होटल देखी, अंदर सिर्फ मालिक और कर्मचारी थे, एंट्री तो किसी को नहीं थी। बाहर से इसने आवाज लगाई, साहब मेरी बेटी 5 महीने की है, उसे दूध पिलाना है, यदि आपके पास हो तो प्लीज दे दीजिए। होटल मालिक ने पहले मना कर दिया कि भैया हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है और तुम भी बाहर मत निकलो, घर जाओ। शायद उसको भरोसा नहीं हो रहा था। फिर राकेश ने सोनाली की फोटो दिखाई और पूरी कहानी बताई। मालिक ने कहा, दूध तो है लेकिन 150 रुपए लगेंगे। राकेश का परिवार गरीब था, उसके पास सिर्फ 200 रुपए थे और इन पैसों में न जाने कितने दिन और काम चलाना पड़ेगा। उसने सोचा कि फिलहाल आज दूध मिल जाए वही बड़ी बात है, कल का कल देखेंगे। एक दिन जैसे तैसे निकला, पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि अब घर में सिर्फ 50 रुपए और घर पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, करे तो करे क्या। अगली सुबह अपनी बेटी को सुलाकर पूरे प्रिकॉशंस के साथ फिर निकला, बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में वही 5-स्टार होटल का दरवाजा खटखटाया, फिर मालिक बाहर आया। इस बार राकेश बोला, साहब मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है, प्लीज दूध दे दीजिए। मालिक ने फटकार लगाकर बिना कुछ दिए भेज दिया। राकेश निराश होकर दूसरे रास्ते से भगवान को प्रार्थना करते हुए घर लौट रहा था कि हे ऊपर वाले, आज एक बाप तुझसे भीख मांग रहा है, अपने लिए नहीं अपनी बेटी के लिए। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटी सी चाय बिस्किट की दुकान खुली थी। दौड़कर वहां पहुंचा और देखा कि पुलिस वाले वहां चाय पी रहे हैं। पहले तो उसे डर लगा कि लॉकडाउन में बाहर निकला हूं धुलाई हो जाएगी और हिरासत में ले लिया तो घर पर बेटी अकेली है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके गया और बोला, साहब मुझे मदद चाहिए। चाय वाला बोला, भैया लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको पता नहीं क्या। राकेश बोला, भैया मुझे थोड़ा दूध चाहिए था इसलिए इधर उधर भटक रहा हूँ। चाय वाला बोला, देखिए भैया ये चाय सिर्फ पुलिस वालों के लिए बन रही है, ये दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं, इसलिए पूरे नियमों का पालन करके इन्हें चाय पिला रहे हैं, बाकी किसी के लिए भी इधर एंट्री नहीं है। आंखों में आंसुओं के साथ राकेश बोला, भैया एक बाप अब सबसे भीख मांगता है, मेरी 5 महीने की बेटी घर पर अकेली है, उसकी माँ नर्स है और उसको भी वायरस इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए एडमिट कर दिया है। बच्ची को दूध पिलाने वाला भी कोई नहीं है। इतना सुनते ही चाय वाले की आंखों से आंसू बहने लग गए। वहां 5 पुलिस वाले चाय पी रहे थे, सब के सब खड़े हो गए। चाय वाला पुलिस वालों को बोला, साहब आपको जो एक्शन लेना है, केस करना है, मुझ पर कर दीजिए, इसे जाने दीजिए। पुलिस वाले देख रहे थे और इधर चाय वाले ने फटाफट 2 लीटर दूध पैक किया और राकेश के हाथ में थमा दिया। राकेश बोला, भैया मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है, ये ले लीजिए, बाद में जब पैसे आएंगे दे दूंगा। चाय वाले ने पूछा, सिर्फ 50 रुपए, मतलब तूने तो खाना भी नहीं खाया होगा। राकेश की आंखों से आंसू आने लग गए। चाय वाले ने तुरंत बिस्किट के साथ खाने का कुछ सामान दिया और बोला, जाओ ये ले जाओ और अब घर से बाहर मत निकलना, और हाँ जब ये दूध खत्म हो जाए तो फोन कर देना, मैं देने आ जाऊंगा। राकेश धन्यवाद देकर जैसे ही जाने लगा तो पुलिस वाले ने रोक दिया और कहा, रुक जा 1 मिनट, तूने लॉकडाउन का नियम तोड़ा है, ऐसे नहीं जाने देंगे। पुलिस वाला अपनी पुलिस जीप में से कुछ लेकर आया। राकेश को लगा शायद केस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस वाले ने अपने वॉलेट से 500 रुपए निकाले और राकेश के हाथ में थमा दिए और बोला, रख लो काम आएंगे। राकेश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। राकेश फिर से चाय वाले को बोला कि आप प्लीज ये 50 रुपए तो रख लीजिए। चाय वाला बोला, ये दूध तुम्हारी 5 महीने की बेटी के लिए है, वो तो भगवान का रूप है और भगवान को दूध पिलाने का अवसर बार बार नहीं आता, ये पुण्य मुझे कमाने दो।
तभी पुलिस वाला बोला, अभी घर से बाहर मत निकलना, 2 दिन बाद दूध खत्म हो जाए तो ये लो मेरा नंबर, फोन करना, मैं देने आ जाऊंगा। पुलिस वाला आगे बोला, आपकी पत्नी के आगे तो हम कुछ भी नहीं है, वो सच में एक योद्धा है। राकेश मन ही मन बोला कि कौन कहता है कि भगवान नहीं दिखते, ये जो मदद कर रहे हैं वो इंसान के रूप में भगवान ही तो है। राकेश घर पहुंचा और खुशी के आंसुओं के साथ अपनी बेटी को दूध पिलाया। अब सवाल आप सभी के लिए ये है कि अमीर कौन, वो 5-स्टार होटल वाला या ये चाय वाला, ये पुलिस वाले? जवाब दीजिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और ऐसी कहानियों के लिए इमोशनल वीडियो